हेलो एंड वेलकम टू एस पी टुडे आई एस अकेडमी टूडे वी एनाइज इम्पॉर्टेंट न्यूज पेपर आर्टिकल्स ऑफ सेकेंड फ़रवरी 2024 प्लीज नोट यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ वर्जन ऑफ टूडेज न्यूज पेपर अनलिसिस बाई क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द कमेंट सेक्शन देखिए आज का जो न्यूजपेपर है चाहे जो भी आप न्यूज़पेपर ले लें आसाम ट्रिब्यून द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस सब में जो कल बजट रखा गया है पार्लियामेंट के सामने बाय आर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर उससे ही रिलेटेड सारे आर्टिकल्स आए हैं तो आज का पूरा का पूरा सेशन हम लोग बजट एनालिसिस पे ही डिवोट करेंगे और आने वाले कुछ दिनों तक भी हम लोग कुछ कुछ बजट से रिलेटेड बातें चर्चा करेंगे बट आज का पूरा का पूरा सेशन एक्सक्लूसिवली बजट के लिए रहेगा और जो भी आज के इंपॉर्टेंट इशूज होंगे उनको हम लोग कल देख लेंगे एंटरिंग बजट प्रेजेंटेड सो अगेन दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस पेपर पत्र इंडियन इकोनमी पॉइंट ऑफ व्यू देखिए कल पार्लियामेंट के सामने हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी ने वोट ऑन अकाउंट या इंटरिम बजट रखा फॉर द ईयर 24-25 फाइनेंशियल ईयर ये इंटरिम बजट क्या होता है देखिए इंटरिम बजट इज बजट फॉर फर्स्ट क्वार्टर इन जनरल या फर्स्ट फोर मंथ अप्रैल से लेकर के आगे वाले चार महीनों तक पूरे साल का बजट नहीं है ये फुल बजट नहीं है इट इज एन एंटरिंग बजट इसे कहा जाता है वोट ऑन अकाउंट और इसमें भी कोई मेजर अनाउंसमेंट नहीं किए जाते हैं इंटरिंग बजट में इंटर बजट में जनरली जो बेसिक सरकार को चलाने के लिए जो भी खर्चे चाहिए और जो बेसिक एक्सपेंडिचर सरकार को करने हैं सैलरी वगैरह एंड ऑल उनकी अनाउंसमेंट्स होती है जनरली इंटरिम बजट में इंटरिम बजट प्रेजेंट किया जाता है बाय द गवर्नमेंट इन द जनरल इलेक्शन ईयर इस साल लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं दो में तो थ्योरिटिकली बाकी तो प्रैक्टिकली मे बी द गवर्नमेंट विल कंटिन्यू ऐसा सबको लग रहा है बाकी हु नो पर थोरिटिकली सरकार बदल सकती है मई या जून के बाद से नई सरकार आ सकती है लोकसभा के चुनाव के बाद तो जो मौजूदा सरकार है इट वॉन्ट बी जस्टिफाइड टू पुट अ बजट फॉर इंटायर फुल स्केल बजट देना इनके लिए जस्टिफाइड नहीं होगा ऐसे हालत में जिस साल भी जनरल इलेक्शन होते हैं लोकसभा के उस साल सरकारें वोट ऑन अकाउंट या इंटरिम बजट रखती हैं विच परटेन्स टू फर्स्ट थ्री टू फोर ऑफ द गवर्नमेंट एंड दैट टू द बिग अनाउंसमेंट आर अवॉइड अवॉइडेड बेसिक एक्सपेंडिचर एंड रिसीट पार्ट इज अनाउंसड विच इज नीडेड फॉर रनिंग डे टू डे गवर्नमेंट दैट इज द आइडिया ऑफ इंटरिम बजट और वोट ऑन अकाउंट जनरल इलेक्शन रीजन बिहाइंड दिस यही कारण है कि नॉर्मली आप देखते हैं बजट से एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है पार्लियामेंट में रखा जाता है बट दिस ईयर इकोनॉमिक सर्वे वॉज ऑल्सो नॉट देयर तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे फुल फ्लेजेड बजट और इकोनॉमिक सर्वे हमें देखने को मिलेगा आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन वंस द न्यू गवर्नमेंट कम्स इनटू पावर तो उस टाइम में हमें फिर पूरा डिटेल में डिस्कस करना होगा ये जो इंटरिम बजट है इसमें बेसिक एक्सपेंडिचर और रिसीट की बातें होती हैं बट नॉट मेजर अनाउंसमेंट अगर हिस्ट्री देखी जाए तो नाइनटीन में उस टाइम का फाइनेंस मिनिस्टर आर के सान मुखम चेट्टी साहब ने वोट ऑन अकाउंट प्रेजेंट किया क्योंकि उस टाइम पहला इलेक्शन आ रहा था एंड देन इलेक्शन वाज कंडक्टेड एंड आफ्टर द इलेक्शन इंडिया फर्स्ट रेगुलर बजट वाज प्रोड्यूस्ड और प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ द पार्लियामेंट एंड सिंस देन द गवर्नमेंट ऑफ फॉलो दिस कन्वेंशन लोकसभा के चुनाव वाले साल में वो लोग फुल स्केल बजट नहीं रखते हैं स्टार्टिंग में तो फिर भी जो इंटरिम बजट रखा गया है उसको हम लोग देख लेते हैं क्योंकि आने वाला जो एपीएससी प्रोब है उसमें तो अब इसी से अगर प्रश्न आना होगा तो आएगा ठीक है फुल स्केल बजट तो तब तक आएगा नहीं तो सी टैक्स रेजीम में तो टैक्स को लेकर के कोई भी बदलाव नहीं किया गया टैक्स रेट्स में कोई भी बदलाव नहीं किया गया जो पुराने रेट्स थे वही कंटिन्यू रहेंगे फॉर एग्जाम्पल कॉरपोरेट टैक्स की बात की जाए तो ट्वेंटी फॉर एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक कंपनीज फिफ्टीन फॉर न्यू मैनुफैक्चरिंग कंपनीज लेकिन कुछ अनाउंसमेंट्स किए गए हैं जो पुराने टैक्स रिलेटेड डिस्प्यूट्स चल रहे हैं उनको खत्म करने के लिए कुछ अनाउंसमेंट्स किए गए हैं सरकार ने तो जो डिस्प्यूट्स 2009-10 तक से पहले के डिस्प्यूट्स हैं जिसमें पच्चीस हजार रुपए तक का टैक्स रिलेटेड डिस्प्यूट है इनकम टैक्स में यानी कि मान लीजिए कि साल दो का कोई डिस्प्यूट है जहां सरकार कह रही है कि आपको अठारह एक्स्ट्रा टैक्स देना है और आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये आपका कैलकुलेशन गलत है तो दैट इज अ डिस्प्यूट तो इस तरीके के जितने भी डिस्प्यूट हैं जो 2009 से पहले के हैं और पच्चीस हजार रुपए तक के हैं ऐसे सारे डिस्प्यूट्स को सरकार ने खत्म करने का फैसला किया है कि ओके फाइनलेट एंड डेटा कंप्लीटली और 2014-15 तक के जो भी डिस्प्यूट्स हैं जो दस हजार से कम है यानी कि 2009-10 से पहले पच्चीस हजार से कम वाले डिस्प्यूट्स को सरकार ने पूरी तरह से माफ करने का फैसला किया है 2009-10 से लेकर के 2014-15 तक पच्चीस हजार तो नहीं लेकिन दस हजार से नीचे के जितने भी डिस्प्यूट हैं सरकार ने उनको खत्म करने का फैसला किया है एंड अप्रोक्सीमेटली दिस विल बेनिफिट अबाउट वन करोड़ टैक्स पेयर्स इन द कंट्री जिनका कुछ ना कुछ डिस्प्यूट इतना पुराना चल रहा है सरकार के साथ उसके अलावा स्टार्टअप्स के लिए इन्वेस्टमेंट्स ज्यादा से ज्यादा उनको मिले इन्वेस्टमेंट करने के लिए आंट्रप्रनरशिप बढ़े इसके लिए सरकार ने टैक्स बेनिफिट्स और ज्यादा स्टार्टअप्स के लिए अनाउंस किए हैं सोवरेन वेल्थ फंड्स पेंशन फंड्स का जो एक्सेसिव वेल्थ है वो स्टार्टअप्स को चैनलाइज हो चाहिए स्टार्टअप्स इसको लेकर के इन्वेस्टमेंट में डालें और ग्रो करें देश की जीडीपी को भी बढ़ाएं इंप्लायमेंट जनरेशन भी करें इसके लिए सरकार ने नए नए इनिशिएटिव लाने का फैसला किया है लेकिन अभी नहीं सरकार ने कहा है कि हम लोग इस पर पॉलिसीज लाएंगे वंस वी कम इन फुल पावर आफ्टर द जनरल इलेक्शन सोवरेन वेल्थ फंड क्या होता है देखिए अभी भारत के केस इसमें वैलिड नहीं है लेकिन दुनिया के ऐसे कई सारे देश हैं जहाँ पे वहां की सरकारों के पास सरप्लस फंड रहता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी काफी ज्यादा रहता है ट्रेड सरप्लस भी काफी ज्यादा रहता है उनके पास और वो लोग फिर इस एक्सेसिव फंड को दुनिया के अलग अलग देशों में इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं सऊदी अरेबिया इसमें काफी ऊपर आता है सोवर वेल्थ फंड में तो इस तरह के सोवरेन वेल्थ फंड को अट्रैक्ट करने के लिए भारत सरकार ने देश के अंदर पॉलिसीज को सिंप्लीफाई किया है और वो सोवरेन वेल्थ फंड का पैसा नए स्टार्टअप्स को जाए उसके लिए भी सरकार पॉलिसी बनाएगी ऐसा उन्होंने कहा है टैक्स कलेक्शन की अगर बात की जाए तो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू फॉर फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी फोर जो आने वाला साल है वो लगभग थर्टी लाख करोड़ तक जाएगा दैट इज बजट एस्टिमेट अंदाजा है पिछले साल जो साल 2023-24 खत्म हो रहा है उसके लिए रिवाइज एस्टीमेट उन्होंने दिया है लगभग 34 लाख करोड़ का ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू होगा सरकार का उसमें भी आप देखिए ये डेटा इंपॉर्टेंट है अभी आपका ध्यान नहीं जा रहा इस पर लेकिन ध्यान से अगर आप देखिए समझिए कि सरकार का ओवरऑल टैक्स कलेक्शन हुआ है दो हजार में जो ये साल खत्म हो रहा है इसमें लगभग लगभग टैक्स कलेक्शन होगा एज पर रिवाइज एस्टिमेट थर्टी लाख करोड़ उसमें से ट्वेंटी लाख करोड़ इज इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्स 16.22 लाख करोड़ इज इन द फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स तो आपसे सीधा सीधा प्रबल्स में पूछा जा सकता है कि सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट के जो टैक्स कलेक्शन है उसमें डायरेक्ट टैक्स का कॉम्पोनेंट ज्यादा है या इनडायरेक्ट टैक्स का ज्यादा है कुछ भी स्टेटमेंट बेस्ट दे सकता है तो अभी मौजूदा टाइम में आप देखिए तो इनडायरेक्ट टैक्स का कम है डायरेक्ट का ज्यादा है दैट इज फॉर द अपकमिंग ईयर जो आने वाला साल है 2024-25 उसके लिए सरकार ने अनाउंस किया कि 38 लाख करोड़ रुपए लगभग आएंगे हमारे दैट इज बजट एस्टिमेट फॉर द ईयर दर उसमें से लगभग 21 लाख करोड़ डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स सोलह लाख करोड़ दैट इज द ट्रेंड इनडायरेक्ट टैक्स से थोड़ा सा कम आता है एज कंपेयर टू डायरेक्ट टैक्स हर बार की तरह इस बार भी सरकार ने फैसला किया है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को ज्यादा पुश करेंगे 11 और हाइक करेंगे तो ओवरऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर विल बी 11.11 लाख करोड़ आपको पता है कि कुछ दिनों पहले आई ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जहां उन्होंने कहा था कि इंडिया इज द स्टार परफॉर्मर इन वर्ल्ड इकोनॉमी द मेजर रीजन बिहाइंड दिस गुड परफॉर्मेंस इज ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इन लास्ट फ्यू इयर्स तो द करेंट गवर्नमेंट हैज बीन फोकसिंग ऑन दैट एस्पेक्ट और उसको वो कंटिन्यू रखेंगे आने वाले साल में भी फिजकल डेफिसिट द मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट इसी फिजिकल डेफिसिट फॉर द ईयर ट्वेंटी फोर यानी कि आने वाला साल बजट एस्टिमेट में सरकार ने फैसला किया कि किल डेफिजिट ऑफ द जी डी पी विच इज लोअर एज कम्पेयर टू द करेंट ईयर दो हजार गवर्नमेंट सो गवर्नमेंट विल बी बोरोइंग अबाउट फोर्टीन लाख करोड़ इन द नेक्स्ट फिजिकल ईयर विच इज लोअर देन क्योंकि नेक्स्ट फिजिकल में Fiscal deficit is going to be less, 5.1%. So, actual amount will be 14 lakh crore, which will be lower than the current year's fiscal deficit, which is 5.8% of the GDP. In absolute number, it comes out to be 15.43 lakh crore. Each and every number is important, even for prelims. And mains, mein definitely it is important because mains, when you answer So so it is the data that increases the gravity of your answer. So, if you are writing about fiscal deficit and all, so there you need a data.

वो पिछले दो साल से पूरे नहीं हो रहे हैं साल 2022-23 में उन्होंने साठ हजार करोड़ का डिस इन्वेस्टमेंट का टारगेट रखा था खुद के लिए दे कुड डू ओनली 46,000 करोड़ 23 23-24 में दे हैड में टारगेट ऑफ 30,000 करोड़ थर्टी थाउजेंड करो बट देवेस्टमेंट ऑफ ओनली ट्वेल्व थाउजेंड करो रीजन इज सिंपल भारत के अंदर लोग डिस इन्वेस्टमेंट या डाइवेस्टमेंट डाइवेस्टमेंट इज प्योर सेलिंग अप ऑफ द गवर्मेंट स्टेक इन कंपनी इज नोन एज डाइवेस्टमेंट एंड डिसमेंट मीन सेलिंग अ स्मॉल स्टेक ऑफ गवर्नमेंट इन अ पर्टिकुलर कंपनी भारत के अंदर लोग डिस इन्वेस्टमेंट या डाइवेस्टमेंट को एक निगेटिव तरीके से देखते हैं कि सरकार ने सरकारी कंपनी को बेच दिया मतलब सरकार ठीक से इकोनॉमी को नहीं मैनेज कर रही है एंड दैट इज द रीजन वाई पिछले दो सालों से आप देख रहे हैं कि डिस इन्वेस्टमेंट या डाइवेस्टमेंट के टारगेट सरकार अपने पूरे नहीं कर पा रही है जबकि डिस इन्वेस्टमेंट के पीछे सिर्फ फंड रेज करना नहीं होता है डिस इन्वेस्टमेंट के पीछे कभी कभार उसका बेहतर मैनेजमेंट उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी एक फैक्टर होती है

बारह तेरह प्रतिशत के हिसाब से रियल जीडीपी का डिक्लाइन हुआ था बट नॉमिनल जीडीपी का भी डिक्लाइन हुआ था माइनस वन पॉइंट फोर परसेंट क्योंकि प्राइसेस तो थोड़े बढ़े करेंट ईयर के प्राइसेस बट प्रोडक्शन काफी कम हो गया था एंड दैट इज वाई नॉमिनल जीडीपी ऑल्सो वेंट इन टू नेगेटिव इन द ईयर एंड सिंस देन देल जीडीपी ये जो सडन स्पाइक आप देख रहे हो अगले साल दैट वॉज मेनली बिकॉज ऑफ द बेस इफेक्ट बिकॉज द बेस इन द दैंडेमिक ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी तो बेस इफेक्ट का नतीजा कि अगले साल काफी सडन पीक देखने को मिला इस साल का नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट टू टेन पॉइंट फाइव परसेंट कुछ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन भी अनाउंस किया सरकार ने सून गवर्नमेंट विल कम अप विद पेपर डिस्कसिंग मिस मैनेजमेंट ऑफ द इकनॉमी प्रायर टू ट्वेंटी फोर्टीन तो ये व्हाइट पेपर जब सरकार रिलीज करेगी तो उसको भी ध्यान से पढ़ना होगा बिकॉज इट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग मेन एग्जाम आयुष भारत स्कीम के अंतर्गत ये जो आ, फ्री कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट होता है अप अपटू फाइव लाख रुपीज आयुष भारत स्कीम सरकार की मैंने कराया हुआ है न्यूज पेपर पहले अब इसमें सारे आंगनवाड़ी वर्कर्स आशा वर्कर्स और हेल्पर्स को इंक्लूड किया जाएगा सरकार ने अपने लिए टारगेट भी रखा है कि इट विल एंश्योर हाउसिंग फॉर ऑल द मिडिल क्लास तो इट विल हेल्प द मिडिल क्लास टू तो बिल्ड और बाई हाउस फॉर इट सेल्फ तो देर विल बी न्यू स्कीम्स अनाउंसड अपार्ट फ्रॉम प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन एंड ग्रामीण बट ये तभी हो पाएगा जब सरकार दोबारा जीत करके आएगी वुमेन एंटरप्रेनरशिप को प्रमोट करने के लिए 83 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनवाए गए हैं अंडर दीन दयाल उपाध्याय योजना। उस 83 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप में 9 करोड़ वुमेन आर बीइंग गिवन डिफरेंट काइंड ऑफ सपोर्ट इन ऑर्डर टू स्टार्ट देयर ओन एंटरप्रेनरशिप एंड हैव देयर ओन इनकम तो ये जो नाइन करोड़ वुमेन है अंडर दिस 83 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स डेवलप्ड अंडर दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना उसमें से सरकार ने टारगेट रखा था हाल फिलहाल में कि दो करोड़ वुमेन को वो लखपति दीदी बनाएंगे बाय हेल्पिंग देम बाय ट्रेनिंग देम एंड स्किल डेवलपमेंट ताकि वो साल में कम से कम लाख रुपए खुद के लिए कमा पाए दो करोड़ का टारगेट रखा था आउट ऑफ दिस नाइन करोड़ वुमेन दो करोड़ को लखपति दीदी बनाया जाएगा स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेनरशिप लेकिन लखपति दीदी स्कीम जो सरकार ने अनाउंस किया दैट वाज वेरी सक्सेसफुल और काफी कम समय में ही एक करोड़ विमेन तो लखपति बन चुकी हैं मींस दे हैव स्टार्टेड अर्निंग लाख पर ईयर अब उसको बढ़ा करके एक करोड़ एक करोड़ तो हो चुका ऑलरेडी टारगेट था पहले दो करोड़ विमेन को लखपति दीदी स्कीम के अंतर्गत इंक्लूड करना अब दो करोड़ को बढ़ा करके सरकार ने टारगेट रखा है तीन करोड़ विमेन को लखपति दीदी स्कीम के अंतर्गत उसका बेनिफिट मिलेगा मैं फिर से कर सेल्फ हेल्प करोड़ उससे जुड़ी हुई हैं सरकार ने लखपति दीदी स्कीम लाया टारगेट था कि एक साल में दो करोड़ विमेन को हम लोग लखपति बनाएंगे मतलब इनकम उनकी एक लाख से ज्यादा करवाएंगे एक करोड़ टारगेट बहुत जल्दी पूरा हो गया तो अब सरकार ने ओवरऑल जो दो करोड़ का टारगेट उसको बढ़ा करके अपने लिए तीन करोड़ कर दिया है यूथ ंटरप्रेनरशिप को प्रमोट करने के लिए सरकार ने एक लाख करोड़ का कॉरपस फंड बनाया है पचास साल के लिए जिस फंड की मदद से इंटरेस्ट फ्री लोन दिए जाएंगे यूथ को तो वो कॉरपस फंड जैसे मुद्रा योजना है वो मुद्रा योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आ, आ, के अंतर्गत एक मुद्रा आ, आ, आप समझिए कि आप एक रीफाइनेंस कंपनी खोली गई रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशन खोला गया प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत मुद्रा रीफाइनेंस एजेंसी और वो फिर फंड देती है बैंक्स, को, और बैंक्स के थ्रू वो फंड जाता है फिर मुद्रा स्कीम के बेनिफिशियरीज को ठीक वैसे ही एक लाख करोड़ का एक कॉर्पस फंड बनाएगी सरकार अब उसके लिए कोई नया स्कीम आएगा नया नाम आएगा जैसे मुद्रा की तरह और वो एक लाख करोड़ का जो कॉर्पस फंड होगा वो बैंक्स के थ्रू नए नए एंटरप्रेनर्स को लोन दिलवाएगी इंटरेस्ट फ्री लोन

उनको 300 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा एवरी मंथ प्लस अगर रूफ टॉप से सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो उसको मार्केट में सरप्लस बेच करके इनकम तो जनरेट होगा ही इससे सरकार ने अंदाजा लगाया कि लगभग एक परिवार साल में पंद्रह हजार से लेकर के अठारह हजार रुपए तक बचा सकता है कुछ और डेटा देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सरकार ने कितना पुश किया है साल दो से लेकर के दो तक इंफ्रास्ट्रक्चर में नेशनल हाईवे कितने ज्यादा बनाए दिए गए इलेक्ट्रिफाइड रेल रेल रूट कितने सारे बना दिए गए आई टोल्ड यू दीज डेटाज आर गोइंग टू बी हेल्पफुल इन मेन्स वेन यू आर गोइंग टू सपोर्ट योर डेटा कि गवर्नमेंट हैज़ ऑन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट यू नीड डेटा टू सब्सटैंसिएट यूमेंट फॉल इन पॉवर्टी लेवल तो इससे रिलेटेड एक अलग से आर्टिकल भी हमने देखा था जहां नीति आयोग ने बताया कि कैसे पिछले पंद्रह सोलह सालों में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हमारे देश के अंदर लगातार कम हुई है और ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अंतर्गत उन्होंने साबित किया है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी हमारे देश में कम हुई है इसके लिए उन्होंने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट या उसका डाटा का इस्तेमाल किया था तो सी द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन आवर कंट्री हैज कम डाउन फ्रॉम 55% इन द ईयर 2005-6 टू 211.2% इन द ईयर 2022-23 मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज्ड बाय नीति आयोग बेसिस नेशनल फैमिली in दिस newspaper analysis the एनालिसिस नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट consolidation कॉन्सोलिडेशन to tax buoyancy देखिए थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं आपको मैंने बताया कि कैसे पैंडेमिक वाले साल में हमारा फिजिकल डेफिसिट काफी ज्यादा बढ़ गया था ठीक है इट वाज बजट एस्टीमेट था कि 9.5 परसेंट रखेंगे बट बाद में थोड़ा सा कम हुआ एंड इट केम डाउन टू बी 9.2 परसेंट यहाँ पे हमने चर्चा की ना ये नाइन पॉइंट टू परसेंट तो फिजिकल डेफिसिट इन अनसस्टेनेबली हाई तो तब से सरकार ने एफ आर बी एम एक्ट फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी बजटरी अमेंड करके अपने लिए एक नया टारगेट रखा एज फार एज रेस्ट्रिक्टिंग फिजिकल डेफिसिट एंड रेवेन्यू डेफिसिट इज कंसर्न और इस नए टारगेट्स को नाम दिया गया न्यू फिजकल ग्लाइड पाथ एस पर न्यू फिजिकल ग्लाइड पाथ द फिजिकल डेफिसिट वॉज टू तो बी ब्रॉट डाउन 2025-26 जो बच्चे बेसिक इकोनॉमी की क्लास कर चुके हैं फाउंडेशन की क्लास आई जस्ट होप की उनको ये बातें समझ आ रही होंगी जो वहाँ पे बजट पढ़ चुके हैं उनको ये बात समझ आ रही होगी एफ में सरकार ने बदलाव किया पेंडेमिक के अगले वाले साल 2021-22 के बजट प्रेजेंटेशन के दौरान और वहां पे उन्होंने फिर अपने लिए नया ग्लाइड पाथ का टारगेट रखा जहाँ उन्होंने कहा कि लेकिन अब ऐसे रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि सरकार के टैक्स कलेक्शन काफी अच्छे हुए हैज बिन मोर देन वन डू यू मीन बाई टैक्स बोएसी वो भी जरा देख

सरकार ने कहा है कि हमारा फिस्कल ग्लाइड पाथ था 4.5 पॉइंट फाइव परसेंट टू बी अटेंड बाई लेकिन वो उससे पहले अटेन हो जाएगा और हमारा जो इकोनॉमी है इट इज ऑन द पाथ ऑफ फिस्कल कॉन्सोलिडेशन क्योंकि इनकम टैक्स सरकार के ओवर सूट हुए मतलब एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हुए हैं थर्टीन सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स से भी इनकम सरकार की बढ़ी है एंड बिकॉज ऑफ दीज ओवर इन टैक्स रिसीड द गवर्नमेंट हैज विटनेस्ड a tax buoyancy of 1.2 tax buoyancy of 1.2 means 1% increase in gdp has led to 1.2% increase in tax collection right so tax buoyancy of india in last few years ka ye graph hai it has gone up to 1.2 which is a good sign तो टैक्स बोएंसी बढ़ी है हाल फिलहाल में आप देखिए पिछले कुछ सालों में तो नेगेटिव में चली गई थी खासकर pandemic वाले साल में यानी कि GDP

फॉर द ईयर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर रियल एस्टिमेट में उन्होंने उससे थोड़ा कम ही खर्च किया है अगेन कौन कौन से स्कीम जहाँ पे उन्होंने एक्सपेंडिचर घटाए हैं बजट एस्टिमेट और रियल एक्सपेंडिचर रिवाइज एस्टिमेट आर इज बेसिकली फॉर रिवाइज एस्टिमेट तो रिवाइज एस्टिमेट में जो उन्होंने घटाया है वास्तविक तौर पर प्रधानमंत्री आवास योजना एंड ऑल ग्राम सड़क योजना एंड ऑल पी एम अभी इन सब में उन्होंने जो अनाउंस किया था बजट एस्टिमेट में और रिवाइज एस्टिमेट में उन्होंने उससे कम ही खर्च किए हैं राइट right? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में वही जिसमें आ, फ्री एलपीजी कनेक्शन दिया जाता है विमेन को उसमें भी आप देखिए एक्सपेंडिचर डाउन हाँ जन आरोग्य योजना में एक्सपेंडिचर इज गोइंग अप प्लस हाल फिलहाल में सरकार ने कहा है कि जन आरोग्य योजना में दे विल नाउ ऑल्सो इंक्लूड ऑल द वर्कर्स ऑफ आशा एंड आंगनवाड़ी पीएम किसान स्कीम के अंतर्गत कुछ दिनों पहले मैंने न्यूज पेपर एनालिस में बताया था कि कैसे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स घट रहे हैं पीएम किसान स्कीम वही है जिसमें छह हजार रुपए का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया जाता है टू द फार्मर्स इन थ्री इक्वल इंस्टॉलमेंट तो उसमें नंबर ऑफ बेनिफिशरीज घट रहे हैं बिकॉज द गवर्नमेंट हैज मैंडेटरीली और अप्लाइड टू कंडीशन एक तो लैंड सीडिंग होना चाहिए खेती आपको करनी होगी पीएम कि किसान स्कीम के अंतर्गत बेनिफिट लेना है तो और दूसरा आधार से लिंक होना चाहिए अकाउंट इस कारण से पीएम किसान स्कीम के अंतर्गत बेनिफिशियरीज घट रहे हैं तो फंड ट्रांसफर भी पीएम किसान स्कीम के अंतर्गत थोड़ा सा कम हुआ है एम जी नरेगा आई जस्ट होप यू आपको मैंने क्लास में ही बताया बेसिक इकोनॉमिक गवर्नमेंट वॉज कम्पलीटली अगेंस्ट दी नरेगा स्कीम एंड कीप केम टू पावर इन टू थाउजेंड फोर्टीन द सेड की To, MG Nariga to keep it alive as a failure of the previous government so far. Okay, you are giving 100 days of employment to people and that to unskilled employment to the people and that to at minimum wages. This reflects your failure as a government who lacked or who failed in giving proper skill to the people. And that is why people are forced to work for 100 days in a year and that to at a minimum wages.

ए लोकेशन ऑफ फंड एम जी नरेगाली इन दैंडेमिक ईयर इट को वेंट वेरी हाई बिकॉज पैंडेमिक में एम जी नरेगा वॉज द सेफ इयर सो दैट इज हाउ यू कैन सेम जी नरेगा से रिलेटेड जो सरकार का ओपिनियन था इट हैज चेंज दे हैव अंडरस्टूड की कंट्री लाइक इंडिया कैन नॉट बी चेंज ओवर नाइट एंड देर आर स्टिल मेनी पीपल हु रिक्वायर अनस्किल्ड वर्क फॉर सर्वाइवल इन लॉन्ग रन ऑफकोर्स स्किल डेवलपमेंट वुड बी बेटर अप्रोच टू हेल्प सच पीपल

मैंने आपको बताया कि तीन तरह की ही मेनली सब्सिडी देती है सरकार हमारे देश में फूड रिलेटेड सब्सिडी देन फर्टिलाइजर एंड देन फ्यूल मीन्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट इसीलिए इसको कहा जाता है थ्री एफ सब्सिडी अगर आप ब्रेकअप देखें तो सबसे ज्यादा जो सब्सिडी दी जाती है वो फूड रिलेटेड सब्सिडी दी जाती है इसमें भी जो सबसे बड़ा स्कीम है वो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना फिर फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर के अंदर हमने देखा कि आ, यूरिया के लिए कंट्रोल्ड प्राइसिंग स्कीम फॉर नॉन यूरिया देयर इज न्यूट्रिय बेस्ड सब्सिडी एंड देन फ्यूल रिलेटेड पेट्रोल डीजल के लिए पहल स्कीम फॉर पेट्रोल डीजल के लिए कोई सब्सिडी नहीं रहता एलपीजी के लिए पहल स्कीम है एंड देन केरोसिन वगैरह पे थोड़ी बहुत सब्सिडी देती है सरकार तो ये है सब्सिडी का ब्रेकअप वंस यू सीड केयरफुली देन यू विल रियलाइज कि सबसे ज्यादा सब्सिडी जाता है फूड पे फिर जाता है फर्टिलाइजर पे और सबसे कम होता है फ्यूल पे इस टॉपिक पे इस तरीके का प्रश्न पूछा जा सकता है जो मैंने आपको दिया है प्लीज दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट इनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स ग्रीन पुस एंड ब्लू इकोनॉमी दिस टॉपिक इज अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी परसपेक्टिव तो सरकार ने बजट में कहा है कि जब हम दोबारा जीत करके आएंगे तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स पे हम लोग ज्यादा पुश करेंगे फोकस करेंगे

CNG एंड पी एन जी इन फेस्ड मैनर ये सब अनाउंस कर दिया है आने वाले टाइम में दे विल गिव मोर पुश टू ग्रीन इकोनॉमी एंड ब्लू इकोनॉमी ब्लू इकोनॉमी जस्ट लाइक ग्रीन इकोनॉमी इज फॉर सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ब्लू इकोनॉमी परटेन्स टू ऑल द प्रोजेक्ट्स विच एम्स एट यूटिलाइजिंग द मरीन रिसोर्सेज इन सस्टेनेबल मैनर तो ब्लू इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए सरकार ने ब्लू इकॉनॉमी टू पॉइंट जीरो नाम की एक ड्राफ्ट रिलीज की थी साल दो हजार बाईस में सरकार ने इस बजट में भी कहा है उस तो ड्राफ्ट को वो इम्प्लीमेंट करेंगे और ब्लू इकॉनॉमी को और सस्टेनेबल तरीके से प्रमोट करेंगे वैसे तो कुछ इनिशिएटिव इस डायरेक्शन में ही जा चुके हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना बट वंस दे गेट इनटू पावर अगेन इफ इन मई देन ब्लू इकोनॉमी 2.0 नाम का जो ड्राफ्ट था उस डायरेक्शन में वो और ज्यादा कंक्रीट स्टेप्स लेंगे कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते बायो हैकिंग यूज बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटेशन टू इंप्रूव द क्वालिटी एंड कैपेबिलिटीज फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट सही हैं दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे थैंक्स फॉर वाचिंग।